हेलो एवरीवन, आई एम अनुभव फ्रॉम द फैक्ट हंट टीम। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ग्राफिक बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें WHO का हवाला देकर ये बात की जा रही है कि किसी भी वेजिटेरियन व्यक्ति को कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि जितने भी व्यक्ति शाकाहारी हैं वो इस इन्फेक्शन से अभी तक बचे हुए हैं। इसी के साथ इस ग्राफिक में एक और स्टेटमेंट भी दिया है, जिसको बताया जा रहा है कि WHO के चाइना रिप्रेजेंटेटिव ने ये बात बोली है कि जब तक लोग नॉनवेज खाते रहेंगे तब तक इन्फेक्शन का डर बना रहेगा। इसी के बाद सोशल मीडिया पर कई मैसेजेस भी वायरल होने लगे जिसमें यही दावा किया गया। हम आपको बता दें कि ये दावा गलत है। अपनी इन्वेस्टिगेशन में हमें WHO की ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें ऐसी बात की गई है। AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक WHO के रिप्रेजेंटेटिव सुप्रिया ने इस दावे को सरासर गलत बताया। हालांकि इस ग्राफिक में WHO के चाइना रिप्रेजेंटेटिव का जो स्टेटमेंट कोट किया गया है वो सही है, पर इस स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज किया गया, यानी कि उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था पर ये स्टेटमेंट असल में एक्सोटिक मीट के बारे में बोला गया था, ना कि उन मीट्स के बारे में जो कि आमतौर पर कंज्यूम किए जाते हैं।